मैं जगत के लोग यहाँ के मतदाता नहीं है। ठीक है, किसी के निमंत्रण पर संबंधों में या प्रोफेशनली आए होंगे, मैं इनकार नहीं करता। कलाकार हैं, जो कोई भी आए हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वो यहाँ के मतदाता नहीं थे। मतदाता कितने थे उनके उनके रोड शो में, ये जरा आप ये तो आप बताएंगे। नहीं, ये तो आपको पकड़ना चाहिए ना, आपको ये पता है। अगर भोजपुरी सिंगर आए हैं तो मतदाता कितने थे, वो लोग यहाँ के मतदाता नहीं थे। आए कलाकार हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, किसी भी क्षेत्र के किसी भी विधायक के हों। हम किसी की गरिमा नहीं गिराते, किसी का अपमान नहीं करते। लेकिन उसी आप ये बताइए, उस रोड शो मतदाता कितने आए आजमगढ़ के, सवाल ये है। और हमारे रोड शो में आजमगढ़ के मतदाता कितने, असली सवाल तो ये है ना। क्योंकि चुनाव तो कल जब होगा तो फैसला तो मतदाता लेंगे यहाँ के, वो उनकी स्वभाव से गायब थे। ये बात आप कह पाए ना कह पाए, हो सकता है आपकी अपनी मर्यादाएं हों, सीमाएं हों, या हो सकता है आप कहें तो आपके ऊपर वाले दिखाएं भी ना, ये भी संभव है। सारी चीज दिखाई जाती है, लेकिन ये भी संभव है। भीड़ थी दोनों रोड शो में, भीड़ थी। जो कंसर्न आप बता रहे हैं कि चूंकि उसमें कलाकार थे, उनका एक आकर्षण होता है। नहीं नहीं, आकर्षण कलाकारों का मैं कहता हूँ, कलाकार थे, आए, अच्छा है, उनका सम्मान है, हम भी कला का सम्मान करते, वो बात नहीं है। मैं सवाल ये है कि उस रोड शो में आजमगढ़ के मतदाता कितने थे, भीड़ कितनी थी, ये सवाल आज सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जिस पर आप नहीं बोलना चाह रहे हैं। एक आपको बोलना चाहिए, एक अंतर और, अरे बोलना चाहिए भाई इस पे। मैं बोल रहा हूँ आपके सभा में भीड़ अच्छी थी। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सवाल ये है कि जो देखिए बीजेपी के लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, वो बोल्डर उनका कहाँ है, जब 60 लाख नौजवान जिस परीक्षा में शामिल हुए हों और उसका पेपर लीक हो रहा हो, और वही एक नहीं, अब तक 13 पेपर लीक हुए हैं। मेरी रिपोर्ट के हिसाब से कभी एक भी पेपर लीक करके यहाँ बुलडोजर नहीं पहुंचा है, और वो इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज ये पेपर लीक हुआ है। गवर्नमेंट नहीं चाहती रोजगार देना। रोजगार का मुद्दा आप लोग बहुत जोर शोर से उठाते हैं, इधर खबर यह है कि मुख्यमंत्री मुसलमानों को खास करके रिजर्वेशन दिया गया, उसकी समीक्षा की जाएगी कि कैसे ये प्रावधान बनाया गया। देखिए, इसके अलावा वो कर भी कह सकते हैं, मुसलमान भाइयों को अगर मंडल आयोग की सिफारिश में उनमें से कुछ जातियों को पिछड़ा माना गया है तो क्या गुनाह है, क्या वो संविधान सम्मत नहीं है, बताएं? ये तो भाजपा बताएगी, आप बताएंगे? नहीं, क्या वो संविधान सम्मत नहीं है? क्या मंडल आयोग की सिफारिश की संस्तुति देश की संसद ने नहीं की? लेकिन बीजेपी के लोगों को केवल नफरत फैलानी है। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक उसी मुद्दे को हर चुनाव प्रचार में पकड़े हुए हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं इस बार के उनके बयानबाजी से मैं बहुत दुखी हूँ। एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर नहीं, एक देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर प्रधानमंत्री ने गंगा जी पर खड़े होकर क्या कहा, अभी एक हफ्ते 10 दिन पहले, अगले ही दिन लालगंज की मीटिंग में क्या कहा। तो प्रधानमंत्री जी के तो 24 घंटे भी स्थिर बयान नहीं है, स्थिर बयान नहीं है 24 घंटे भी नहीं। ये तो नहीं कहूंगा, या कोई व्यक्ति कह रहे हैं, जरूरी नहीं मैं उस बात को डिक्टो करूं, लेकिन हाँ, मर्यादाएं थोड़ी पूरी तोड़ रहे हैं, मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय जी के बारे में जो बातें कही वो बहुत गलत बातें कही, बहुत मर्यादा के विरुद्ध बातें की, उनको नहीं करना चाहिए सर। प्रधानमंत्री पद की गरिमा रहनी चाहिए। कल जब आप सड़क पर पसीना बहा रहे थे, तब उसी नेताजी परिवार की बहू अपर्णा जी निरहुआ के समर्थन में रोड शो करने पहुंची थी, तो आए थे। ठीक है, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है, वो बीजेपी जहां चाहे जहां वो जाना चाहे उसमें हम क्या कह सकते हैं। हम मुझे इस बात की संतुष्टि है कि आजमगढ़ के चुनाव में प्रधानमंत्री जी भी आए, मुख्यमंत्री कितने बार आए मुझे, और मुझे ये नहीं मालूम बीजेपी कौन कौन नेता यहाँ घूम के गए। और इस बात की संतुष्टि है कि जो कुछ भी बीजेपी को करना था कर लिया।